बारिश के बाद फिर जलमग्न हुआ रोहतक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। हुड्डा ने सुनी लोगों की समस्याएं। कहा, लोगों को हर बारिश के बाद जलभराव का करना पड़ता है सामना। शहर का सीवरेज सिस्टम हुआ ध्वस्त। मूक दर्शक बनी हुई है सरकार। पूरे हरियाणा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं हुड्डा। कई गांव में गया हूँ, आगे भी जबरदस्त जो है कम से कम अपनी फसल तो गई, अगली फसल के लिए चल गई। और जैसे पूरे कोठे डूबे हुए मोटरें भी गई और कई जगह मकानों का भी नुकसान है और पशुओं को चारे का दिक्कत है। फ्लड के बाद जो है बीमारी का खतरा रहता है, तो उसमें दवाइयों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। तो सरकार से हमने कहा है वो 40,000 रूपया प्रति एकड़ तो किसान को मुआवजा दिया जाए। गरीब आदमी उसकी मजदूरी गई उसको 30 दिन का पालतू मनरेगा की वो दिया जाए और जिनके मकान की टूट फूट हुई है उनकी वो मरम्मत की जाए और जो ट्यूबवेल के कोठड़े मोटर खराब हुई है वो तुरंत ठीक करेंगे, उनका मुआवजा दिया जाए। और दवाई का और डॉक्टरों की टीम का तुरंत प्रबंध किया जाए। अच्छा सर, जिस तरह से और हरियाणा के बारे में भी आपने चिंता व्यक्त की है, खासतौर पर जो यमुना के इलाके हैं उनमें फिर खतरा पैदा हो गया है। खाली जमुना के इलाके में घर है उसमें भी और घर का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। गंपाला के साथ जो और उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जमुना का आपके 380,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है अपने और हमारे समय में इससे दोगुना पानी आया था 8,00,000 क्यूसिक। इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर कदम उठा दिए गए थे। अब हर गांव में शिकायत मिली है मेरे को कि यहां ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं हुई। अब तक शहर में आया हूं, सारा सुखपुरा चौक टूटा पड़ा है। इस प्रकार से जो काम होने चाहिए थे जमुना में, जो जमुना की स्थिति है एनजीटी, मैं नहीं कह रहा एनजीटी ने कहा है कि जमुना का रास्ता बदल दिया गया क्योंकि इलीगल माइनिंग हुई वहां, तो खुदाई है कि होनी सूर से कई जगह गुजरे तो पूरा ऊपर एक तो कुआं मेरे को मिला है अभी उसकी 25 एकड़ जमीन ही भागी, तो इस तरह जमीन नहीं बह गई रास्ता बदल गई उसकी वजह से जमुना के अब मान अगर सही कदम उठाए जाते तो ऐसे तो आपदा ही पानी बहुत आया पीछे से, यहां की बारिश से नहीं है पीछे से बहुत पानी आया आपदा है, लेकिन अगर ठीक समय पर सही कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लापरवाही सर, अब तो तुरंत इनको राहत कार्रवाई करनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए 40,000 रूपये एकड़, डॉक्टरों का इंतजाम करना चाहिए, पशुओं के चारे का करना चाहिए, सारा इंतजाम तुरंत करना चाहिए। फिर मैं सुबह से घूम रहा हूँ, सरकार का कोई राहत कार्य दिख नहीं रहा है मेरे। अच्छा सर, जिस तरह से आपने मुआयना किया है तकरीबन हरियाणा में आपने ज्यादा देखा है, उसके बावजूद सारी फसलें खराब हो चुकी है, ये तो कोई बताने की बात नहीं, लेकिन उसके बाद सरकार कह रही है कि समीक्षा के बाद ही वो जो है मुआवजा देगा। इसको प्रमाणित क्या जो होता है, ये तो पोर्टल भी इंतजार करता है, पोर्टल में किसान बताएगा वो पोर्टल चलाएगा या अपना खेत देख लिया जाए बचाएगा या पशुओं को बचाएगा, पशु चारा का इंतजाम करेगा और बच्चों में खाने करेगा, पोर्टल चलाएंगे। पोर्टल क्या जो होता है प्रत्यक्ष परवाना अब तक तो राहत कार्य शुरू कर देनी चाहिए, ये तो पोर्टल का किसान चक्कर डाल के तो और उसके डिले करने की बात है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाएं।